हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और बस आज अभी बच रहे हैं, टाइम पीछे अगर दिख रही होगी 12:30 हो चुके हैं और बस अभी थोड़ी देर में लंच वगैरह होगा और उसके बाद हम लोगों को जाना है गुड़गांव। धूप पड़ रही है अच्छी सी, तो गुड़गांव जाना है। तो बस अभी हम थोड़ी देर में गुड़गांव निकलेंगे। तो बस तो आज हम जा रहे हैं गुड़गांव का मार्केट एक्सप्लोर करने, तो मुझे लगा ब्लॉग बना लेना चाहिए, तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और देखो चीची चीची की आवाज़ तो आपको आ रही होगी, तो दिखाती हूँ मिलवाती। तो ये देखो इनका चूचू चूचू चूचू, बस इनका यही काम है पूरा चूचू करने का। ये देखो अभी खेलेंगे कूदेंगे, खस खाना रख रखा है, खाना है नहीं, बस खेलना कूदना है। ये देखो बस आवाज़ ही आती रहेगी इनकी। तो बस अब हम लोग लंच करेंगे थोड़ी देर में, और थोड़ा सा अभी टाइम है लंच करने के लिए क्योंकि अभी 1 बज रहा है। तो तब तक रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि ना मुझे जुखाम भी लग गया है। और पता नहीं कल तक तो ठीक था, हल्का हल्का था, लेकिन मुझे लगा नॉर्मल होगा, लेकिन वो कन्वर्ट हो गया है जुखाम में। तो बस अब रेस्ट करते हैं, फिर लंच करेंगे और फिर शाम को निकलेंगे, क्योंकि फिर ऑफिस से हम लोगों को मतलब आधे रास्ते में मिलेंगे और हम लोग यहाँ से जाएंगे मेट्रो में। तो जैसे इनका ऑफिस ख़त्म होगा, तो जैसे भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी आगे भी। तो निकलती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, तब तक के लिए रेस्ट करते हैं। तो चलिए मैं रेडी हो चुकी हूँ और बस अब हम लोग निकल रहे हैं और ये हमें मिलेंगे आगे, हमें मेट्रो से जाना है। तो चलो फिर मैं आगे मिलती हूँ आपको और फिर ले चलते हैं आपको भी गुड़गांव। तो चलो फिर। तो हम लोग अभी मेट्रो में पहुंच गए हैं और साथ में मम्मी है, मम्मी तो बस अब हम यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट तक, फिर वहाँ पे ये मिलेंगे, फिर वहाँ से हम लोग आगे जाएंगे गुड़गांव। तो चलो फिर आगे चलते हैं। हम पहुंच गए हैं। हेलो बोलते हैं, मुंह से भी बोलते हैं हेलो हेलो हेलो। तो कैसा लग रहा है आपको हम आपके पास आए? बहुत अच्छा लग रहा है। 2 घंटे बच गए। 2 घंटे बच गए तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। और कितनी देर में पहुंच जाएंगे यहाँ से? कितना टाइम? 40-45 मिनट अभी। और चलो फिर अब हम निकलते हैं। ट्रैफिक मिलेगा, ट्रैफिक तो मिलेगा, ऑफिस टाइम भी हो गया ना। तो चलो फिर अब हम लोग निकलते हैं और फिर आपको मिलते हैं डायरेक्ट। भाई मैं दिखाती हूँ आज आपको गुड़गांव में, लोकल मार्केट है ना, दिखाते हैं कितना अच्छा लग रहा है सनसेट देखो। कुछ तो लाइन है, देखो ये लाइन क्या होता है ये। वहाँ हम उस दिन सत्संग में भी गए थे, तब भी मॉर्निंग में था, बड़ी सी लाइन। अभी आधी दिख रही है ना, अभी पूरी दिखेगी ये लाइन। पता नहीं क्या होता है, देखो ऐसी लाइन दिखती है। तो हम गुरुग्राम पहुँच गए हैं, अभी हाईवे में है ना। अब कितनी देर है यहाँ से? बस अब 5 मिनट पर हम लोग पहुँच जाएंगे, मिलते हैं आपको आगे। तो बस अब हम लोग पहुंच गए हैं ओल्ड गुड़गांव और यहीं पे कौन सा मार्केट है मम्मी, नाम क्या है? सदर मार्केट। तो अभी तो हम इस मतलब जो मेन इसका रूट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो तो उधर पीछे उधर के साइड है, लेकिन हम ये लोग पीछे के साइड से जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से बहुत भीड़ मिलेगी, इसीलिए हम लोग पीछे के साइड से जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। यस हेलो, ये पीछे के साइड से क्यों जा रहे हैं हम लोग?
सदर मार्केट का बड़ी है, ओल्ड गुड़गांव की मेन मार्केट है, बहुत बड़ी होगी ना अभी। बस अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, और थोड़ा बहुत जो मतलब देखना था हमने, वैसे तो मार्केट बहुत बड़ा है लेकिन ठीक से हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि एक तो हम लोग लेट आए और ऊपर से आने में हमें इतना टाइम लग जाता है, यहाँ पे ट्रैफिक इतना मिल जाता है, तो थोड़ा बहुत हमें जो समझ में आया हमने लिया। बाकी बस अब हम लोग निकल गए हैं, और टाइम कितना हो रहा है, 9 बज गए होंगे, नहीं 7:30, हाँ 8 बज गए हैं, तो बस फिर उसके बाद अब देखते हैं जो भी होता है, बाकी चलो आगे मिलती हूँ आपको। पहुंचे हम लोग हाईवे पे, तो हमें ट्रैफिक क्यों मिलता है इतना, बॉर्डर पे आ गए ना, तो हमें ट्रैफिक क्यों मिलता है, बॉर्डर पे होता ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जब जा रहे थे गुड़गांव तो हमें ट्रैफिक नहीं मिला, तो हमें लगा आज हमें ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, लेकिन अब देखो आते हुए इतनी देर से हम लोग यहीं फंसे हुए हैं और इतना ज़्यादा ट्रैफिक, आखिर ट्रैफिक मिलता ही मिलता है यहाँ तो, है ना, यहाँ पे क्यों वैसे हो रहा ट्रैफिक, हाँ टोल है यार ये दिल्ली गुड़गांव का टोल है ना, तो जितनी भी कमर्शियल गाड़ी होती है वो उधर से ना जाके ना टोल बूथ से, हाँ। इधर से, क्योंकि प्राइवेट गाड़ियों के लिए वो है नहीं टोल, इधर से निकलने की कोशिश करते हैं, तो वो आगे पकड़ते हैं ना उनको, तो इसलिए जाम लग जाता है। अच्छा तो बहुत ज्यादा है, ये कैब वाला ही देख लो आगे जा रहा है, हाँ। इसको जाना उधर से बूथ में से चाहिए, लेकिन इधर प्राइवेट गाड़ियों में से जा रहा है, पैसे बचा रहे, ये रहा एक दुनिया भर के होंगे पैसे बचा रहे, हाँ पैसे कस्टमर से चार्ज कर लेते हैं लेकिन खुद अपने बचा लेते हैं।